अवाम उर्दू न्यूज बुलेटिन शुरू करने से पहले हदीस मुबारक का पेश है। हजरत अस्मा बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ ना मिले और कहना के मिली है, ये ऐसा है जैसे कोई मकरो फरेब का पहन ले। बुखारी शरीफ। राय दहिंदों की सहूलत की खातिर हर पोलिंग स्टेशन पर खन्नात, पानी की सहूलत और रैम की सहूलत रहेगी। आज मदौल पोलिंग स्टेशन सेंटर्स का मायना करते हुए जनरल ऑब्जर्वर्स संजय कुमार, एडिशनल एसपी दक्षिणा मूर्ति, डीएसपी राजेश बल्ला, आरडीओ ई राजू और महकमे रेवेन्यू अधिकारी मौजूद थे। और आजा भाई, व्हाट यू डू इज आप यहाँ बना दीजिए, अभी यहाँ पार्टीशन वॉल है, यहाँ पे आप कम्युनिकेशन प्लान है। जो आपका रिसीविंग पॉइंट होगा वही मेरा कहना है कि ऊपर में आने का बहुत महंगा, काउंटर बाहर में बनाएंगे। तो इसमें लिखा रहेगा कि दिस सेक्टर्स, कितना सेक्टर्स है टोटल? 31 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, मैंने रिसीविंग पॉइंट्स आप बनाएंगे। 27 रिसीविंग पॉइंट्स और 4 स्पेशल पॉइंट्स। प्योर डेली गेम सर, 17 सी की है, 17 ए की है और मार्क कॉपी है, 4 साइज का स्पेशल कॉपी सर। ओके, वो ले ठीक है। जनरल सेक्टर इट उस पूरे जनरल कॉपी। 27 में 31 में इसका मतलब है कि आपका कोई सेक्टर स्मॉल सेक्टर भी है क्या? Like you might, it may even turn into a report. So that way it is very important. Also, they need to be trained. Because yesterday I was there at Asifabad and I have told the collector there, collector was very much in affirmative. He told that whosoever will be in charge of reading those at the reception counter, means the tallying and reading those 17. Question 31 cutting, if you are cutting. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाह भैंसा की जानिब से रैम्बो जूनियर कॉलेज भैंसा में तालार मिल्लत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गरमाई क्लासेस का इफ्तिताह बदस्त अलहाज मोहम्मद जाबिर अहमद म्युनिसिपल चेयरमैन व ज़िला सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मुखातिब होते मोहम्मद जाबिर अहमद ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी मुस्लिम कौम के नौनिहालों और नौजवान लड़के और लड़कियों को दीनी व दुनियावी और जज्बी और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करते हुए इस मौजूदा दौर में दूसरे कौमों के मद्द मुकाबिल शाना लाखड़ा करना है, ताकि हमारी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां जदीद टेक्नोलॉजी वो हुनर सीख कर खुद रोजगार से मरबूत हो सके। बाद आज़म फैजुल्ला खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर शाह भैंसा वो वार्ड नंबर 4 काउंसलर ने मुखातिब होते हुए मोहम्मद जाबिर अहमद म्युनिसिपल चेयरमैन व ज़िला सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों व काविशों का जिक्र करते हुए कहा कि रैम्बो स्कूल जूनियर कॉलेज और आज गरमाई क्लासेस का इफ्तिताह इसका वाज़े सबूत है। इस क्लासेस में मेहंदी डिजाइनिंग, टेलरिंग सेंटर, टेलरिंग कंप्यूटर कोर्सेस और स्पोकन इंग्लिश। इस मौके पर माविन कारकुन बल्दिया भैंसा, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इम्तियाजुल हक एडवोकेट वो दीगर काउंसलर्स जिसमें बाबा रहमत खान रफू और दीगर मजलिसी खानों मजलिसी काउंसलर्स मौजूद थे। देख रहा हूँ जो हमारे बच्चियाँ यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमारे इस काम को काम के लिए हमको कहाँ जा रही है। मगर
अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह उन्हीं से काम लेता है जो उसके लिए जदोजहद करता है। वही सोच वही हमारे जदोजहद थी, उसमें हम ये कॉलेज में हम उसमें उठाने के लिए हमारा मकसद पूरा हुआ। और मेरे साथ मेरे यहाँ के सदर फैजुल्ला खान साहब, इम्तियाज साहब और हमारे डॉक्टर मदीनुल्लाह साहब बराबर के मेरे साथ शरीक थे और हर तरीके से मुझे एडवाइस देते थे कि साहब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। शुरू शुरू में हम सेवन क्लास तक हमारा परमिशन था और एक साल के बाद हम टेंथ क्लास तक चले गए। उसके बाद इतना एहसान हुआ, उसके बाद इंटर से तालीम के मैदान में आ गए हो। जाबिर साहब का यह भी हमें बहुत बड़ा आहार था कि हमारे और बच्चा के हाथ से भी साफ इंतजाम करते ही अपन तालीम देंगे और यहाँ स्कूल के अंदर सीसी कैमरे लगाए हैं, पूरी पर्दे के साथ यहाँ तालीम दी जाती है। हमारा मकसद ये है कि हमारे लड़कियां जब दसवीं क्लास उर्दू मीडियम से पढ़ लेती है फैक्ट्री के अंदर बाद में घरों में जाकर बैठ जाती है। अब वैसा नहीं है, दसवीं क्लास अगर उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद आपके वास्ते से मोहम्मद जाकिर अहमद साहब ने या फ्री तालीम देने के वास्ते ग्यारहवीं क्लास खोला गया और बारहवीं क्लास खोला गया। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उर्दू मीडियम आपके वास्ते बेहतरीन इंतजाम किया गया, आपको फ्री तालीम है, आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, आपको फ्री दे लिया जाता है, जो भी स्कॉलरशिप आता है वो आपको तकसीम किया जाता है। ये रेलवे स्कूल का एक कारनामा है। जब हमारे बच्चे 200 250 150 आने का हमारा इंतजाम था, 400 तक आ चुके हैं। फिर आने वाले दिनों के अंदर हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बच्चों के आज से हर एक बार को ये कोर्स होने पर हर एक बार को उर्दू टेलरिंग के वहाँ से फ्री रखा गया है। जो भी अगर बाहर के बच्चे आते हैं अगर फैसले में अब ये दिनों में तरीक बन जाते हैं तो उनको कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा, चाहे कोई आने वाले दिनों के अंदर चाहे आवेशी नगर हम लोग चाहे कुंठा एरिया हम लोग चाहे नयाबादी एरिया हम लोग वैसे दिनों वैसी जगहों के ऊपर ये देख ये काम अगर सही अंजाम देंगे तो वो वहाँ हम कुंठे एरिया में आवेशी नगर में वो इश्तेहार खोलने का जाबिर साहब का ख्वाब है कि वहाँ भी मेरा 2 महीने में ट्रेनिंग दूसरे साल के अंदर देने का ये सोच रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए आने वाले हमारे बच्चियां या पूरे होता है कोई भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ नहीं आ सके तो इसी जगह खोल देगा हमारा जाबिर साहब का इरादा है। मैं जो मुस्तखर भैंसा के रैम्बो जूनियर कॉलेज असद बाबा नगर कॉलोनी में आज कॉलेज इंतजाम की जानिब से इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के तुलबा व तलबात में बेस्ट टॉपर्स के लिए फीकस 5000 के चेक तकसीम बदस्त सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद को फैजुल्ला खान सदर मजलिस शाख भैंसा वार्ड नंबर 4 काउंसलर व दीगर काउंसलर के हाथों तकसीम अमल में आई। तुलबा व तलबात में तकरीबन 6-7 लाख के स्कॉलरशिप भी तकसीम अमल में लाई। ये एक रोजे भैंसे की सतह पे एक अच्छा तालीम के तौर पे इंकलाब दफा हो तालुक के काम के लिए जनाब जाबिर अहमद साहब ने और मैं बाद में ये भी देखा हूँ कि मेहंदी डिजाइन के लिए और किसी हम गरीब कोई गैर को बुलाए तो एक तो डिजाइन के लिए 2000 रुपये लेते हैं और ब्यूटी पार्लर के लिए भी कम से कम 3000 रुपये लेते हैं। और वही अगर सिखाए हमारे बच्चियों को तो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, वही मकसद से आप लोग भी दिलचस्पी से उसमें हिस्सा लें और बराबर यहाँ पर ट्रेनिंग क्लासेस में आके वो सीखिए, सीखकर अपने दूसरों को सिखाइए, अपने महलों में जो गरीब बच्चियाँ उनको सिखाइए ताकि हम किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये हमारा मकसद है। और आखिरी बात यह है कि आप लोग दुआ भी कीजिए कि इस कॉलेज को और तरक्की दे और अल्लाह ताला से हम भी ख्वाहिश करते हैं कि हम जो मकसद के लिए हम ये तालीम का मैदान पे हम कदम रखते हैं उस पर हमारे को
मकसद में हम आपको कामयाब नसीब फरमाए और आप लोगों से ख्वाहिश है कि जो जो चीज़ें भी आप लोगों को अगर कुछ मालूम है औरतों के तालुक से कि वो चीज़ अगर सिखाए तो हमारे बच्चियों को फायदा होगा तो वो चीज़ भी आप हमारे मैनेजमेंट को बोले तो उसको भी हम आइंदा साल में उसको ये करेंगे। अब हमारे फजल रहा था कम से कम 4-5 साल से नहीं होगा। आज का प्रोग्राम एक विशेष आकारी अच्छे प्रोग्राम है। रेनबो हाईस्कूल में जो रखा गया है मस्जिद इत्याद की जानिब से, ये मस्जिद इत्याद रेनबो हाईस्कूल कैसे कायम हुआ कि क्या कारनामे हैं मैं थोड़ा सामने तफसील रखता हूँ। आज से 15-20 साल पहले भैंसे के अंदर इंग्लिश मीडियम मुसलमानों का स्कूल नहीं था। सलाम बेगम हैदराबादी मरकजी बीजेपी हुकूमत वजीर आजम मोदी भारत को तरक्की की राह पर गामजन कर रही है। जो पहले 60 वर्षों में कांग्रेस हुकूमत मुल्क को खसारे में डाल दी थी, ये बात रुकने पार्लियामेंट उम्मीदवार बीजेपी स्वयं बापूराव ने भैंसा शहर में रामादेवी निर्मल जिले की रिहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मजीद इन्होंने कहा कि मरकज में हुकूमत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बनाएगी। इस मौके पर जिले सदर निर्मल श्रीमती रामादेवी, भैंसा टाउन सदर बालाजी सूत्रे, भैंसा अखिलेती सदर रजीउद्दीन गाली रवि व दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। నరేంద్ర మోడీ గారు అసామాన్యమైన ప్రతిభను కనపరిచినటువంటి ఆ నరేంద్ర మోడీ గారు తిరిగి ప్రధానమంత్రి సంపూర్ణమైనటువంటి మెజారిటీతో సింగిల్ పార్టీ మెజారిటీతో రావాలని యావత్ భారత ప్రజల ఆకాంక్ష, ఆదిలాబాద్ ప్రజల బలమైన ప్రబలమైన ఆకాంక్ష. ఆ సామాన్యుడు తిరిగి ప్రధానమంత్రి కావడం కోసం ఈ నియోజకవర్గం నుంచి అతి సామాన్యుడైనటువంటి స్వయం బాబురావును ఆ భారత ప్రధానిగా నరేంద్ర మోడీకి, సామాన్య వ్యక్తి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీకి జతగా పంపించవలసిందిగా అందరూ కూడా ఈ రకమైన ఆశీర్వాదాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి స్వయం బాపురావుకు ఇవ్వవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తారు. మా అభ్యర్థి లక్ష్యం నరేంద్ర మోడీ గారి ఆకాంక్ష నిర్ణయం 2022 వరకు పక్కా ఇల్లు అందరికీ, అది పక్కాగా అమలు చేసేటువంటి విషయంలో రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ స్వయం బాపురావు గారు కేంద్రంగా అది సాధిస్తాం, అది అమలు చేస్తాం. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం 2,74,000 ఇండ్లు ఇస్తే ఈ జిల్లాలకు, మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు 5,000 పైగా, కొమరంభీం జిల్లాకు 2,550, మరి ఈ జిల్లాకు నిర్మల్ జిల్లాకు 3,000 పైగా ఇండ్లు ఇస్తే మొత్తానికి ఇప్పటి వరకు పూర్తయిన ఇండ్లు ఏంటంటే 215 మాత్రమే.
మరి ఒకటన్నా వంచిర్రా అంటే ప్రశ్నే మిగులుతున్నది. ఐదేళ్లలో 215 ఇండ్లు పూర్తి చేస్తే లక్షల ఇండ్లు ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తావు? మరి 5 లక్షలు ఇస్తా అన్నావు, ఎక్కడ ముఖం దాస్తున్నావు? భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఈ ముఖ్యమంత్రిని సూటిగా అడుగుతా ఉంది. లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రచారంలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో ఆదిలాబాద్ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి స్వయం బాపురావు గెలుపు కోసం ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి స్వామి యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు 5వ తేదీన ప్రచార సభలో ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ లో పాల్గొన్నారు. ఇవాళనే ఖరారు. అవామ్ ఉర్దూ న్యూస్ బులెటిన్ యహీ ఖత్మ్ హోతా హై. కల్ ఫిర్ మిలేంగే ఇసీ వక్త్. కల్ తక్ కే లియే ఇజాజత్ దీజియే. అష్ఫాక్ అహ్మద్ కో.